मस्ती का मंत्र ओनली विद अंतरा। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ आपके अंतरा आपके साथ। आज बहुत ही रोमांटिक मूड में है आपकी अंतरा और यहाँ पे बात ये कर रही है कि हम सभी का एक पहला क्रश तो जरूर होता है और ये जो पहला क्रश होता है हम कभी भी जिंदगी में नहीं भूल पाते बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी स्पेशल। एंड यहाँ पे स्पेसिफिकली मैं बॉलीवुड की बात कर रही हूँ कि किसी ना किसी एक्टर पे हमारा बड़ा वाला एकदम दिल क्रश हो जाता है, मतलब देख के मन करता है क्या कर गुजरूँ इसके साथ, इतना क्यूट क्यों लग रहा है ना सोनाली। क्या कर गुजरू ये वाला बहुत अच्छा था एक्चुअली। ये दिल वाली फीलिंग्स थी, यही फीलिंग्स होती थी लिटरली। आई सर उस टाइम पे ऐसी हालत होती थी कि बस मतलब क्या किया जाए, क्या करूँ तुम्हारा कि तुम्हें कोई हक नहीं इतना क्यूट दिखने का, इतना प्यारा सा दिखने का, मतलब तुम ऐसी प्यारी प्यारी हरकतें मत किया करो, मेरे दिल में अरमान जाग उठते हैं। छोटी छोटी चीजें जो वो पिक करते थे स्क्रीन पे। अच्छा पहले ये तो बताओ कि किस किसके लिए तुम्हारे अरमान जागे। ओह ये आमिर खान के अलावा और तो कोई था ही नहीं उस टाइम, दिखता ही नहीं था कोई और। और कौन से गाने से हुआ ये शुरुआत प्यार वाला क्रश? गाने बहुत सारे हैं लेकिन ये जो दिल है कि मंथनी का टाइटल ट्रैक वाला गाना था ना उसका, एक तो एक तो वो सिचुएशन माहौल प्लस जैसा उसको बना प्लस जो गाना था एवरीथिंग मिला के वो पूरा ऐसे अभी भी लाइक देखती हूँ या सुनती हूँ गाना तो वो वाली फीलिंग वापस आ जाती है एकदम से ट्विंग करके। और रिसेंटली उसका वीडियो देखा क्या? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आज पूछा गया उसके बाद तुरंत वीडियो देखा गया, अपनी पुरानी मेमोरी ताजा की गई। हाँ और फिर वही फीलिंग आई ना, पूछ मत एक एक मतलब वो एक एक सीन जो आती है को जब उसका हाथ में मैस्टिक होती है वो सोच रहा होता है अबाउट पूजा भट्ट को किसिंग, फिर वो उंगली जल जाती है और उंगली मुंह में चली जाती है। आई मीन दैट वाज लाइक Are you sure कि तुम्हारा हस्बैंड नहीं सुन रहा है जो अभी हम दोनों बात कर रहे हैं यहाँ पे? I hope so. Even I hope so. But by God, seriously, क्या दिन होते थे वो? बेस्ट वाला मैं बताती हूँ, जब पूजा भट्ट उसके गाल से तरबूज का बीज निकालती है, रिमेम्बर दैट सीन? हाय हाय, देखो मैंने तुम्हारी फीलिंग को अच्छा समझा है, वो वाली फीलिंग है तुम्हारे अंदर। चलो मैं इसको ना तरबूज के और ज्यादा आइडियाज देती हूँ एंड बाय दैट टाइम मैं सोनाली का गाना प्ले करने वाली हूँ राइट नाउ राइट हियर ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।